कोयले की नगरी धनबाद को जीतने के लिए तीन बड़ी पार्टियां अपनी दमखम लगाती दिख रही हैं और तीनों मैदान में उतर चुके हैं। सब एक से बढ़कर एक वादे कर रहे हैं, पर कांग्रेस नामांकन खत्म होने की अवधि के 17 घंटा पहले सोमवार रात करीबन 10 बजे अपने प्रत्याशी की घोषणा करती है और इस घोषणा में अजय दुबे का नाम सामने आता है। तभी से लोग यह जानने की कोशिश करने लगे कि कौन है अजय दुबे। तो चलिए जानते हैं कौन है अजय दुबे और इस कोयले की नगरी धनबाद का किंग कौन हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट सियासी हलचल। कांग्रेस धनबाद विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी की तलाश में जुटी हुई थी। आखिरकार नामांकन खत्म होने की अवधि के 17 घंटा पहले ही सोमवार रात करीबन 10 बजे उन्हें प्रत्याशी मिल गई और उस प्रत्याशी का नाम है अजय दुबे। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर कौन है अजय दुबे। जिस कांग्रेस ने अजय दुबे को अपना प्रत्याशी बनाया है वह 2014 में कांग्रेस की टिकट पर ही धनबाद लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि वह चुनाव हार गए थे। उस चुनाव में उनको 2,92,954 वोटों से हार मिली थी और उस वक्त उनको पशुपतिनाथ सिंह ने हराया था। पर आपको यह भी बता दें कि अजय दुबे कांग्रेस के साथ साथ इंटक की राजनीति में गहरी पैठ रखते हैं और अजय दुबे धनबाद के हीरापुर हटिया के रहने वाले हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कौन है अजय दुबे जिसे कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस कोयले की नगरी धनबाद में जीतने की किसकी संभावना है। धनबाद विधानसभा सीट पर तीन पार्टियों के ऐसे दावेदार हैं जो मजबूती के साथ खड़े हैं, जिसमें पहला है बीजेपी जिसकी टिकट पर राज सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि राज सिन्हा 3 बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं पर उन्हें जीत 2 चुनावों में ही मिली थी। दूसरा है कांग्रेस के टिकट पर अजय दुबे मैदान में हैं जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं इस बार तीसरी भी एक जयराम की पार्टी है जिसके टिकट पर सपन कुमार मोदक मैदान में हैं। यह भी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले वह जेएमएम पार्टी में थे। इन तीनों के बीच ही धनबाद का यह जंग होने वाला है, पर इस जंग में कौन कितना प्रभावी होगा इसका थोड़ा अनुमान लोकसभा के परिणाम से लगाया जा सकता है। धनबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला धनबाद विधानसभा सीट से लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ढुल्लो महतो को 1,51,389 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह को 89,412 वोट मिले थे। तो वहीं जयराम की पार्टी से 1,00,000 अंसारी इस विधानसभा सीट पर तीसरे नंबर पर रहे थे। इस विधानसभा से भाजपा को करीबन 61,000 वोटों से लीड मिली थी, जो भाजपा के लिए सुखद खबर है। मगर इसका फायदा ना तो भाजपा को है और ना कांग्रेस को, इसका फायदा जयराम की ओर जाता दिख रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस टिकट को लेकर 2 गुटों में बट गई थी। क्योंकि जब भाजपा ने ढुल्लो महतो को टिकट दिया था तो धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने इसका विरोध किया था। यह रिपोर्ट नवभारत टाइम्स से ली गई है। इशारों में अपने लोगों को यह कहते नजर आए थे कि ढुल्लो महतो को वोट नहीं करना है। इसका पूर्ण रूपेण खुलासा उस समय हुआ था जब धनबाद में एक जाति सम्मेलन कायस्थ महासभा में राज सिन्हा ने अपने लोगों को भाजपा नहीं कांग्रेस को वोट करने के लिए इशारों में बताते हुए दिखे थे। इसका एक वीडियो भी उस समय काफी तेजी से वायरल हुआ था। इसके बाद से ही भाजपा धनबाद में 2 धड़ों में बट गया। तो वहीं सांसद पशुपतिनाथ सिंह के भी समर्थकों ने उन्हें टिकट नहीं मिलने से पार्टी के प्रति नाराजगी जताई थी। हालांकि बाद में पशुपतिनाथ सिंह बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अपने पार्टी के फैसले का समर्थन कर दिए थे। तो वहीं कांग्रेस पार्टी में भी अनुपमा सिंह को टिकट मिलने के बाद कांग्रेस के ही कई दिग्गज नेता पुरजोर विरोध में उतर आए थे। उनका कहना यही था कि जो एक दिन पहले ही कांग्रेस की सदस्यता ली है उसे लोकसभा का टिकट दे दिया गया। तो ये 2 घटनाएं थी जिससे भाजपा और कांग्रेस दोनों को इस विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है और इसका रिजल्ट तो लोकसभा चुनाव में ही देखने को मिला था, क्योंकि 2024 के अस्तित्व में आई जयराम महतो की पार्टी ने धनबाद लोकसभा चुनाव में 3रा स्थान प्राप्त कर लिया था। इससे यह तो स्पष्ट नजर आता है कि इस विधानसभा चुनाव में जीत और हार का जो मार्जिन है वो काफी कम होने वाला है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि राज सिन्हा को लेकर धनबाद विधानसभा सीट पर एंटी इंकम्बेंसी की लहर भी चल चुकी है। ऐसे में इस बार राज सिन्हा को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर धनबाद विधानसभा सीट के जाति समीकरण को देखें तो उस विधानसभा सीट में मुस्लिम मतदाता की आबादी सबसे ज्यादा 15% है, एसटी मतदाता की आबादी 14% है और एससी मतदाता की आबादी करीबन 6% है। ऐसे में इस विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते रहे, पर इस बार के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता भाजपा की ओर रुख करेंगे इसमें थोड़ी शंका जरूर है।
ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा ने इस विधानसभा चुनाव में एक भी अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं दिया, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय में नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसका फायदा जयराम या कांग्रेस को मिल सकता है। इसलिए आपको यह भी बताते हैं कि धनबाद विधानसभा सीट का इतिहास कैसा रहा है, क्योंकि पिछले इतिहास को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार जीत या हार का समीकरण कैसा हो सकता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की टिकट पर राज सिन्हा ही चुनाव लड़े थे और 1,20,773 वोटों के साथ चुनाव जीत गए थे। तो वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस के टिकट पर मनान मलिक चुनाव लड़े थे, जिन्हें 90,144 वोट मिला था। तो वहीं 2014 के चुनाव में भी भाजपा ने राज सिन्हा को ही अपना उम्मीदवार बनाया था और वह 1,32,091 वोटों से चुनाव जीत गए थे। तो वहीं कांग्रेस के टिकट पर मनान मलिक ही चुनाव लड़े थे और 79,094 वोट ला पाए थे। 2009 के चुनाव में मनान मलिक पहली बार चुनाव जीते थे जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, उन्हें 55,641 वोटों के साथ जीत मिली थी। तो वहीं इस चुनाव में राज सिन्हा भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े थे और 54,751 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे, यानी इस चुनाव में राज सिन्हा मात्र 890 वोटों से चुनाव हारे थे। 2005 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर पशुपतिनाथ सिंह चुनाव लड़े थे, जिसे पीएन सिंह के नाम से जानते हैं लोग, वह 83,692 वोटों के साथ चुनाव जीत गए। तो वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस के टिकट पर मनान मलिक ही चुनाव लड़े थे और जिन्हें 62,012 वोट मिला था। तो वहीं सन 2000 के चुनाव में भाजपा की टिकट पर पीएन सिंह ही चुनाव लड़े थे और 74,331 वोटों के साथ चुनाव जीत गए थे। तो वहीं इस चुनाव में आरजेडी दूसरे नंबर पर रही थी, जिसके टिकट पर प्रसादी शाहू रहे थे, जिन्हें 32,226 वोट मिले थे। तो वहीं इस चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी, जिसके टिकट पर योगेश्वर प्रसाद योगेश चुनाव लड़े थे, जिन्हें मात्र 25,476 वोट मिले थे। इसके अलावा आप चाहें तो इस लिस्ट को भी देख सकते हैं। इस लिस्ट में धनबाद विधानसभा सीट पर जितने बार भी चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में कौन सी पार्टी और कौन चुनाव जीता है, यह सारी रिपोर्ट अगर हम 1x1 इसे बताते हैं तो यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि क्या इस बार राज सिन्हा हैट्रिक लगा पाएंगे या फिर धनबाद में इस बार नया चेहरा देखने को मिलेगा, यह हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबों को जोहार।